24 न्यूज एक्सप्रेस आज की ताजा खबरों के साथ मैं स्वाति। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बैतूल रेलवे स्टेशन पर लगने वाली रैक से गंजे के व्यापारियों का हो रहा स्वास्थ्य खराब। बैतूल नगर के रेलवे स्टेशन पर रोजाना लगने वाली सीमेंट और यूरिया की रैक से गंजे के व्यापारियों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। रैक से रोजाना सैकड़ों ट्रक सीमेंट यूरिया लेकर जिले भर में पहुंचा रहे हैं। देखने में आ रहा है कि जब ये ट्रक लगातार एक के पीछे एक निकलते हैं तो इससे जो धूल का गुब्बारा उड़ता है वह लोगों के लिए हानिकारक सिद्ध हो रही है। जानकारी अनुसार मीराम झीरी में रेलवे का रैक पिछले कई वर्षों से प्रस्तावित है, फिर भी नगर के धन्ना सेठों की वजह से सीमेंट और यूरिया ले रैक बैतूल में ही लग रही है, जिस कारण से आने जाने वाले वाहनों से उड़ रही धूल से व्यापारी वर्ग खास नाराज है, जिनके स्वास्थ्य पर धूल से प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कई बार शिकायत करने के बाद भी रेलवे द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब तो रेलवे का अंडर ब्रिज भी बंद है, जिस वजह से इन वाहनों को 3 किलोमीटर का फेरा ज्यादा पड़ रहा है, जिससे नगर में जगह जगह सड़क खुद गई है, जिससे गिट्टी उड़ने से लोगों को चोट भी लग रही है। क्या रेलवे इस ओर ध्यान देगा, यह देखने वाली बात होगी। MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस बैतूल से संतोष प्रजापति की रिपोर्ट। यहाँ पर अपन खड़े हुए हैं, ये बैतूल शहर का सबसे प्रमुख मार्ग है रेलवे स्टेशन का, और पीछे आप अगर देख रहे हैं तो ये माल गोदाम है, जहाँ पर यूरिया खाद की रैक, सीमेंट की रैक, गेहूँ मक्का चना, ये जो राशन से संबंधित सभी पूरी जितनी भी गाड़ियाँ हैं माल गाड़ियाँ सब यहाँ पर आती है, और यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग होके वो शहर के बैतूल ज़िले के विभिन्न कोनों में और गोदामों में जाती है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यूरिया और सीमेंट की ये जो रैक खाली होती है, इसका इतना मिक्सचर यहाँ पे माल गोदाम के अंदर हो गया है कि जिसकी जो धूल है, अगर मान लो एक साथ 8-10 ट्रक चलते हैं तो ये धूल जो है पूरे बैतूल शहर के अंदर, रेलवे स्टेशन के ऑफिसों के अंदर, शहर के अंदर जो छोटे छोटे दुकानदार रोड के ऊपर बैठे हैं, मकान हैं, रहवासी इलाके हैं, इसके अंदर यह पूरी धूल और यूरिया जा रही है। हम विगत 20-25 वर्षों से इस बात में जनरल मैनेजर को भी, सांसद जी को भी, विधायक जी को भी, हर लोगों को समझा चुके हैं, लेकिन इनको जू नहीं रेंग रही है। हम ये चाहते हैं कि ये माल गोदाम यहाँ से हटे, और जब रैक नहीं रहती है 2-2, 3-3 दिन, तब ये रेलवे के जो जवाबदार अधिकारी हैं ये निकम्मे और भ्रष्ट हैं, एक नंबर के। मैं तो चैलेंज करता हूँ इनको कि जब 2-3 दिन रैक नहीं रहती है तो आप अपनी ये राखा और ये सीमेंट का जो मलबा ये जम जाता है, इसको आप साफ क्यों नहीं करते हैं? जो नगर पालिका रोडों को साफ कर रही है, धूला को साफ कर रही है, जिससे नागरिकों को थोड़ा सा चैन तो मिलता है, मगर रेलवे के निकम्मे अधिकारियों के कारण और जो राष्ट्रीय हमारा प्रदूषण बोर्ड है जिसका हेड ऑफिस मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा में, इनके जो निकम्मे अधिकारी हैं जो ये प्रदूषण से संबंधित किसी भी कार्रवाई को ये लोड लेने को तैयार नहीं है, जागरूक नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि माल गोदाम से ये सीमेंट की रैक, खाद की रैक, ये मलाम जीरी में खाली होना चाहिए और नागरिकों को इससे मुक्ति मिलना चाहिए। हमारे शरीर के अंदर, नाक के अंदर पूरे कीटाणु भरा गए हैं सीमेंट और ये खाद के, जिसके कारण हमारा सोना, खाना पीना, परिवार सहित बच्चों का सब आराम हो गया। सीमेंट की गाड़ और ये सारी चीज़ इतनी भयंकर उड़ती है कि जिसकी हद नहीं, जिससे मेरा लगभग 6 से 7 साल हो गया, स्वास्थ्य कभी सही नहीं रह रहा। मैंने नागपुर, बॉम्बे हर जगह दिखा दिया है, डॉक्टरों का कहना है कि आपको धूल की एलर्जी है, और स्टेशन के वहाँ से जो ट्रक वगैरह चल रहे हैं उससे इतनी भयंकर धूल उड़ती है कि जिसका कोई समाधान नहीं है। आपने इसके लिए कभी कोई शिकायत सर CM हेल्प लाइन में भी कर चुके हैं, और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी इसके 3-3, 4-4 बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं हो रहा। रखा फाजला नहीं है सर, यहाँ पे बहुत परेशानी है, धूल से बहुत दिक्कतें हो रही है, इसके चक्कर में हमारी कई बार तबीयतें खराब हो गई, हर हफ्ते डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, बहुत डस्ट है, डस्ट के मारे जीना मुश्किल हो गया सर। कब से आपकी यहाँ पे दुकान है? मेरी दुकान तो हो गई सर 60 साल हो गए इस दुकान को। 60 सालों से रास्ता ऐसी है? नहीं, रास्ता पहले छोटा सा रास्ता था, यहाँ अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था, छोटा सा ही रास्ता था, फिर ये रैक बड़ा करा है, तो चक्कर में हमारी दुकान अलग कर दी थी, छोटी सी जगह मिली हमको, उसी में चला रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि सर धूल प्रदूषण खत्म हो यहाँ से।